नमस्कार फ्रेंड, जय जगन्नाथ, जय मां मंगला। मैं संध्या, मैं स्वागत कर रही हूँ मेरी किचन संध्या किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्लावर और आलू का चिप्स, जो कि दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक बड़ा सा फ्लावर और उसके साथ मैंने दो छोटा छोटा आलू, जिसको मैंने छिलके के साथ ही पतला कट करके रखी हूँ, और उसको मैंने अच्छे से धो के उसको छन्नी से उसका पानी अच्छे से ड्रेन करके मैंने एक थाली में ली हूँ। और उसके साथ मैं इधर ली हूँ 1.5 चम्मच बेसन, और उसके साथ मैंने ली हूँ 3 से 4 टेबलस्पून, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और चावल का पाउडर भी ले सकते हैं। तो मैं इधर चावल का पाउडर ली हूँ, और उसके साथ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और उसके साथ मैंने ली हूँ 1/4 टीस्पून मीट मसाला पाउडर बोफ्रेस्ट का, और उसके साथ तिल में ली हूँ 1/2 चम्मच, और उसके साथ अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट मैंने ली हूँ 1 बड़ा चम्मच, और नमक टेस्ट के हिसाब से ली हूँ। और उसको अभी हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम उसको ऐसे 2 से 3 मिनट मिलाते समय हम पानी उसमें बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब तक अच्छे से मिलता रहेगा ना, उसको हम अच्छे से मिलाएंगे, ताकि नहीं तो पहले से हम पानी ऐड करेंगे तो ये पतला हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम देखेंगे कि हाँ ये सूखा लग रहा है, तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं, पर वो भी 2 से 3 चम्मच ही ऐड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। और अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इधर बिना फूड कलर का चिप्स बनाई हूँ। तो देखिए, मैं इधर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी थी चूल्हे पे, तो अच्छे से गर्म हो गया, तो मैं एक एक करके उसके अंदर फ्लावर और आलू को डाल दी हूँ। याद रखिए कि हम उसको एक एक करके डालें, और जब हम उसको तलेंगे ना, उस टाइम गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, और हम उसको थोड़ा थोड़ा करके डालें, ताकि हमारा चिप्स बहुत क्रिस्पी बनेगा और तुरंत होके भी निकल जाएगा। तो देखिए अभी ये बन गया है, और देखिए कितना क्रिस्पी बना है। हम सारे फ्लावर और आलू को अच्छे से तल के उसको निकाल लेंगे, और देखिए अभी हमारा रेडी हो गया है आलू और फ्लावर का चिप्स। ये दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप उसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसा लगा आपका अनुभव मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।